विश्वविद्यालय की छात्राओं की मध्य विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। छात्राओं ने राष्ट्रवाद पर स्वरचित कविताएं सुनाई तो वहीं देशभक्ति गीतों का मंचन और नृत्य प्रस्तुत कर आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महाविद्यालय की छात्राओं ने समा बांध दिया। महाविद्यालय के प्रिंसिपल रितंभरा ने बताया कि इसमें 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक के सारे क्रियाकलापों को इसमें दर्शाया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें करीब 200 बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। उनका कहना था कि कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए उनसे जो भी कराया जाता है उसको स्वीकार और साकार कर देश का नाम ऊंचा करें। आज इतिहास विभाग द्वारा इतिहास के अद्भुत पल कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें 20वीं शताब्दी से लेकर अब तक के सारी क्रियाकलापों को दर्शाया जा रहा है। लगभग कितने बच्चों ने हिस्सा लिया, किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं? इसमें लगभग 150-200 बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। सांस्कृतिक तौर पर किस तरह के कार्यक्रम रखा गया, क्या क्या चीज़ें? सांस्कृतिक में बच्चों का निबंध, स्वरचित कविता, गीत और स्लोगन, पोस्टर और क्विज और नृत्य, ये सब। कब से मनाया जाता है ये कार्यक्रम? तो हमारे यहाँ साल भर चलते रहते हैं, लेकिन जैसे विभाग का साल में एक कार्यक्रम प्रमुख होता है तो ये आज का प्रमुख कार्यक्रम है। साल भर मनाए जाते हैं कार्यक्रम। कुछ मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? बच्चों को ये मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी हमारे महाविद्यालय में या देश के लिए जो भी क्रिया किया जाता है, जो भी उन लोगों से कराया जाता है, उसको स्वीकार करें, उसको साकार करें और उसको यथार्थ में अपने आत्मसात करते हुए देश का नाम ऊंचा करें।